नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती किसानी और पशुपालन से संबंधित आपको जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। यूं तो हमारे किसान भाई बहन कई तरह की फसलों की खेती करके अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार किसानों को मोटे अनाज की खेती करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। मोटे अनाज की खेती में भी कई तरह के लाभ हैं। अगर आप उसके उत्पाद बनाकर बाजार में बेचते हैं तो आप अपना मुनाफा दोगुना कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने करनी है मोटे अनाज की खेती और क्या क्या है उसके लाभ, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। कदन्य फसलें वो पोषक अनाज हैं जिनमें जलवायु प्रतिरोधी क्षमता होती है और ये हमारे शरीर को भी ऊर्जावान बनाती हैं। इसीलिए सरकार इस ओर नए प्रयास तेज कर रही है जिससे मोटे अनाज के उत्पादन, खपत और निर्यात में इजाफा किया जा सके। भारत सरकार बड़ी भूमिका निभाने जा रही है जो अंतर्राष्ट्रीय अनाज वर्ष 2023 के रूप में सामने आएगी। कदन्य का हर घर में उपयोग बढ़े इसके लिए जरूरी है कि इनमें रुचि बढ़े। इस क्षेत्र में संभावनाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक और पहल की गई है जिसके तहत एपीडा ने ICAR भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं लोगों में मोटे अनाज से बनने वाले व्यंजनों में रुचि बढ़े इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एवं न्यूट्रिशन और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान मिलकर कदम बढ़ा रहे हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख सचिव इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एवं न्यूट्रिशन डॉक्टर कमलकांत पंत से। एक ये कार्यक्रम हम इंडियन एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के साथ ये मिलेट के प्रमोशन के लिए, मिलेट जिन्हें की साधारण भाषा में हम मोटा अनाज कहते हैं, और ये 3 दिन की कार्यशाला जो हुई है इसके अंदर बहुत सारा नया ज्ञान हमें जानने का मौका मिला है। और ये भगवान ने एक तरह से नियामत हमें दी है मोटे अनाज के रूप में। आधी बीमारियां जो आजकल व्याधियां व्याप्त हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम ये मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ाएं। और इसी के साथ मैं किसान भाइयों को क्या कहना चाहता हूं कि ये मोटे अनाज को आप कम उपजाऊ ज़मीन में जहां पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और कम से कम मेहनत में आप इन्हें उगा सकते हैं। और इन आने वाले समय में, जैसे कि आपको ज्ञात भी है कि 2023 को विश्वव्यापी रूप में मोटे अनाज का वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इसके लिए बाज़ार भी बहुत उपलब्ध होगा। तो इसलिए अगर आप लोग मोटे अनाज की खेती के प्रति अगर उन्मुख होते हैं तो ये आप ना केवल अपने लिए व्यावसायिक रूप से एक फ़ायदेमंद कदम उठाएंगे, बल्कि एक आपकी तरफ से योगदान भी रहेगा लोगों को अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए ये मोटे अनाज के सेवन के मार्फत। इसी संबंध में पूसा संस्थान और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एवं न्यूट्रिशन ने मिलेट्स से बनाए जा सकने वाले व्यंजनों पर ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रहा है। पूसा के निदेशक से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो ऐसी किस्मों में काम कर रहे हैं जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा दुगनी हो, साथ ही इनसे बनने वाले उत्पादों पर भी पूसा काम कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे मोटे अनाज जिनको हम कदन के नाम से जानते हैं, इसमें आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, सावा है, कोदो है, कुटकी है, ये विशेष रूप से पोषक तत्वों की इनमें भरपूर मात्रा पाई जाती है। चाहे हम लोहा तत्व की बात करें, जस्ता तत्व की बात करें, तो ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा होता है इनके अंदर। लेकिन ये अनाज धीरे धीरे, जैसे जैसे धान गेहूँ का प्रचलन बढ़ता गया, हमारी प्लेट से बाहर चले गए। और लेकिन इनके अंदर पोषक तत्व तो इतने भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं कि इनको हमें अपने खाने की थाली में वापस लाना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए हमें करना क्या होगा, एक तो हमारा कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का
और उसके जितने संस्थान हैं उसमें पूसा संस्थान भी शामिल है। इसमें हम बायो फोर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, जिसमें कि इन किस्मों में, बाजरे किस्मों में, मक्के किस्मों में पोषक तत्वों की मात्रा को हम 2 गुना 3 गुना बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी किस्में बायो फोर्टिफाइड किस्मों के नाम से जानी जाएंगी। अब इनके द्वारा जो उत्पाद है उसको किस प्रकार से हम उपभोक्ता तक पहुँचाएँ, उपभोक्ता की प्लेट तक और उपभोक्ता के स्वाद के अनुसार इसमें से व्यंजन बनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें हमारे बच्चे खाने में पसंद करने लगेंगे वो चीज़ घर में निश्चित रूप से आ जाएगी, तो इसलिए हमसे इनके द्वारा जितने उत्पाद हैं उनको बच्चों की पसंद के बनाने हैं। और इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने पूसा संस्थान के साथ ही संस्थान मिला हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग का, जो हमारे संस्थान का ही पहले हिस्सा हुआ करता था, और उनके साथ मिल करके हम लोगों ने जो व्यंजन बहुत तरह के बनाए हैं। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। जब हम बात करते हैं अपने भोजन की थाली की, तो उसके अंदर ऐसे आहार होने चाहिए जो कि स्वादिष्ट तो हों ही लेकिन पोषण से भी भरपूर हों। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे ही भोजन के बारे में जिसके अंदर काफ़ी पोषक तत्व मौजूद हैं, साथ ही साथ उस स्वरोजगार के भी अच्छे अवसर प्रदान कर सकता है। हमारी दौड़ती भागती जिंदगी में हम कितने भी व्यस्त हो जाएं, एक चीज है जिसके लिए हमें वक्त निकालना ही होता है और वो है भोजन। इससे हमारे शरीर की जरूरतें पूरी होती हैं, जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। पोषण के लिए अंडे सबसे अच्छा शॉर्टकट है, जिससे बनाना और खाना बेहद आसान है। एक अनुमान के अनुसार 100 ग्राम के एक उबले अंडे में 155 कैलोरी एनर्जी होती है। इसमें 12.58 ग्राम प्रोटीन, 1.12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 10.61 ग्राम फैट होता है। वहीं अंडे में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, फ्लोराइड, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। अंडे सिर्फ पोषण ही नहीं देते बल्कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाते हैं। मुर्गी के अंडे की यही उपयोगिता मुर्गी पालन में 4 चांद लगाती है। आइए जानते हैं कि मुर्गी पालन में ऐसी किन बातों को ध्यान रखा जाए कि जोखिम को कम किया जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। सर्दियों में अंडे और मांस की खपत बढ़ना लाजमी है, इसीलिए मुर्गी पालकों को ध्यान रखना चाहिए कि इस समय खपत को बिना किसी रुकावट के पूरा किया जा सके और सही उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए उचित देखभाल की भी जरूरत होती है। चूजों को ठंड से बचाने के लिए सर्दियां आने से पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके लिए गैस ब्रूडर, बांस के टोकने के ब्रूडर, सिगड़ी, कोयला, लकड़ी के गिट्टे, हीटर का इंतजाम रखना चाहिए। तापमान में गिरावट होने से चूजों को ठंड लगने व सर्दी खांसी बीमारी होने का डर बना रहता है।
इसीलिए सुबह के समय चूजा घर में कम से कम 2 घंटा तक धूप आने देना चाहिए। ठंड के दिनों में मुर्गी आवास को गर्म रखने के लिए उचित सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब आवास के शीशे से ओस की बूंदें टपकती हैं। इससे बचने के लिए आवास के ऊपर पराली या बोरे भट्टी बिछा देना चाहिए, साथ ही खिड़कियों में मोटे बोरे लगा देना चाहिए ताकि वे ठंडी हवा के प्रभाव को रोक सकें। रात में जाली का लगभग 2 फीट नीचे का हिस्सा पर्दों से ढक दें, इससे अंदर का तापमान बाहर की अपेक्षा ठीक रहेगा। साथ ही ये ध्यान में रखना चाहिए कि मुर्गी आवास में मुर्गियों की संख्या पूरी हो। जाड़े के मौसम में एक अंगीठी जला दें, अंगीठी अंदर रखने से पहले इसका धुआं निकल जाने दें। इस प्रकार दी गई थोड़ी सी गर्मी से न केवल मुर्गियां आराम में रहती हैं, बल्कि मुर्गी आवास का वातावरण भी अच्छा बना रहता है। इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो शीतकालीन मौसम में दाने की खपत पर भी नजर बनाए रखें। यदि दाने की खपत बढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब है कि मुर्गियों में किसी बीमारी का प्रकोप चल रहा है। इस समय मुर्गियों के पास दाना हर समय उपलब्ध रहना चाहिए। इस मौसम में पानी जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए मुर्गियों को बार बार शुद्ध ताजा पानी बदल कर देते रहना चाहिए। तो आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरो टॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर PPR का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। HS या BQ की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशु को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डीवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को AC/2CC अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशु के लिए डीपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। जब किसान की मेहनत रंग लाती है तो खेतों में भी कई तरह के रंग बिखरने लगते हैं। यूं तो राजस्थान को मरुस्थल कहा जाता है, लेकिन जब किसान कड़ी मेहनत करता है तो वहां पर भी फूल उगाते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने कृषि के क्षेत्र का शायद ही कोई काम हो जिसमें सफलता ना पाई हो। तो आइए देखते हैं हमारे आज के कामयाब किसान की कामयाबी की ये कहानी। जयपुर, राजस्थान का बेहद खूबसूरत शहर, जहां देश के हर हिस्से से पर्यटक पहुंचते हैं। यहां से करीब एक घंटे की दूरी और 36 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आता है कालख गांव, जो पहचाना जाता है किसान गंगाराम सेपट के नाम से, जो सेपट ऑर्गेनिक कृषि फार्म का संचालन करते हैं। उनके यहां जितनी भी पैदावार ली जाती है वो सभी जैविक तरीके से ली जाती है। गंगाराम जी कृषि के साथ बहुत कुछ करते हैं, जैसे जैविक खेती, पॉली हाउस में खेती, पशुपालन, मछली पालन, जल संचय करना, सोलर पैनल लगाकर बिजली का इस्तेमाल कर खेती के हर कार्य को संपन्न करते हैं। वो बताते हैं कि वो आज जिस मुकाम पर हैं, उसके पीछे उनकी व उनके परिवार की मेहनत तो है ही, साथ ही सरकार का पूरा सहयोग भी रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर गंगाराम जी ने अपने कार्य क्षेत्र में इजाफा किया, साथ ही आज उनके खेतों में हर तरह की फसलें लहलहा रही हैं, जिसमें विदेशी सब्जियां भी शामिल हैं। उनके खेतों की सब्जियां बड़े शहरों तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे परिवार को अच्छा खासा मुनाफा होता है। राजस्थान में पानी की काफ़ी कमी है, रेगिस्तान है, और इस वजह से हम लोग बरसात का एक एक बूंद इकट्ठा करते हैं। मेरे पास में पॉली हाउस हैं, पॉली हाउसों के ऊपर जितनी भी बारिश होती है उन सबको मैं पाइप के द्वारा मेरे पौंड फार्म पौंड के अंदर लेके आता हूँ। फार्म पौंड में जो साइज है मेरी 50x50 मीटर का, लगभग 75 लाख लीटर पानी इसके अंदर हम बरसात का पूरा पानी इकट्ठा करते हैं, और इसी के आधार पर पूरे साल भर हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके फार्म पौंड के जो है भारत सरकार का जो स्कीम है NHM और NHB दोनों के द्वारा 50% सब्सिडी मिलती है। इसमें मेरे जो है इस फार्म पौंड बनाने में 8,35,000 रुपया खर्चा हुआ था, तथा सब्सिडी के रूप में मुझे 5 लाख रुपये मिले थे। साथ ही फार्म पौंड से जो पानी की सिंचाई करने के लिए मेरे पास में सोलर पैनल है, सोलर पैनल पे भी मैंने सब्सिडी ली है। 3 HP का इसमें भी मैंने कनेक्शन ले रखा है, और जिसमें 67,000 रुपये मेरे फार्मर शेयर के लगे हैं। साथ ही इसमें 1,32,000 रुपये मेरे अनुदान प्राप्त हुआ है। इस फार्म पौंड के अंदर मैंने 7 प्रकार की मछलियाँ डाल रखी, जिसमें 3 प्रकार की देसी मछलियाँ हैं और 4 प्रकार की विदेशी मछलियाँ हैं, जो अलग अलग लेयर में अपना भोजन करती है। और देसी मछलियों में कटला है, रोहू है और मरगला है, और विदेशी में कॉमन कॉर्प है, गोल्डन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और ग्रास कॉर्प है। इन मछलियों को हमारे पास में विशेष प्रकार के कोई भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में जो भी वेस्टेज पदार्थ होता है हम लोग मछलियों के लिए डाल देते हैं। इसके अलावा जो हमारे और भी कई बार क्या होता है, वेस्टेज पदार्थ कम होता है तो हम बाजरे का दाना और सरसों की खली मिलाकर इनको भिगोकर देते हैं, और जो मछलियों का वेस्टेज है वो हमारे खेत के लिए, हमारी फसल के लिए उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करता है। और साथ ही हमारा जो पानी का EC और PH है वो मेंटेन करने का काम है। इसके अंदर अगर मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसके अंदर एल्गी आ जाती है, जो हमारे फिल्टर पंप को चोक कर देती है, इस वजह से इसको मछलियाँ डाली गई है। साथ ही मछलियों का जो है एक्स्ट्रा इनकम के बेचने पर हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी, तो ये हमारे साथ में इंटीग्रेट फार्मिंग का एक अच्छा उदाहरण है। मैं सभी युवा साथियों से सलाह देना चाहता हूँ कि अपने फार्म खेत के अंदर बरसात के पानी को इकट्ठा करें, उसमें पौंड बनाएं, मछली पालन कर सकते हैं, साथ में खेती कर सकते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। किसी भी और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, जैसे पॉली हाउस लगा सकते हैं, ड्रिप सिंचाई यंत्र है, सोलर सिस्टम है, इन सब का उपयोग करके अपने अच्छे से आप नई तकनीकी के द्वारा खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। गंगाराम जी हर कदम पर उनके परिवार के हर सदस्य ने
अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। परिवार में पुरुष वर्ग खेती को संभालते हैं, वहीं महिलाएं पशुओं की देखभाल के साथ बाकी काम संभालती हैं। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। हमारे पास 5 भैंस है, मुर्रा, और 3 गायें हैं जो हम खेत में चारा उपाड़ते हैं, खरपतवार, उसको हम चारे के रूप में गाय भैंस के काम में लेते हैं। 2 टाइम इनका दूध काम में लेते हैं, निकालने में चारा डालते हैं, गोबर डालते हैं, वो सब काम में लेते हैं, और इसको बंटा देते हैं 2 टाइम, और इसका गोबर है जो हमारे खेत में काम आता है। सुबह शाम इनको 3 बार चारा डालना पड़ता है, और बाकी इनका 2 बार दूध निकालना पड़ता है, इनको 2 बार पानी पिलाना पड़ता है, और 2 बार दूध निकालते हैं। रात में सर्दी के टाइम में अंदर रखते हैं, और धूप के टाइम में बाहर रखते हैं, और गर्मी के टाइम में दिन में धूप के टाइम में अंदर रखते हैं, और बाहर शाम सुबह बाहर रखते हैं, रात को भी बाहर रखते हैं गर्मी के टाइम में, गर्मी ना लगे इसके रंजका देते हैं, इनको नहलाते हैं, टाइम से पानी पिलाते हैं, छाए में बांधते हैं इसके, गर्मियों में इनको नहला देते हैं और बाहर छाए में बांध देते हैं। खाने पीने में चारा डालते हैं, हरिया जो खरपतवार निकालते हैं वो डाल देते हैं, और बंटे के रूप में जो बंटा होता है हमारे बाजरा होता है, गेहूँ होते हैं, जो उनको रांध के इनको खिलाते हैं बंटे के रूप में। भैंस का दूध 10 से 12 लीटर होता है, और गाय का 15 से 20 लीटर होता है, तो हम जैसे घर में 20 लीटर काम आता है तो वो रखते हैं, और बाकी का हम डेयरी में देते हैं। और जैसे गिर गाय का दूध या घी किसी को चाहिए तो हम वो भी उपलब्ध करते हैं, और गाय का गूंत होता है उसको हम फसल में काम में लेते हैं, गोबर को भी काम में लेते हैं। हम जीविक भी जैसे इसको काढ़ा वाढ़ा भी देते हैं, अजवान वगैरह खिलाते हैं, और उससे इलाज भी करते हैं, नीम के पत्ते खिलाते हैं, और बाकी नहीं होता पाता है तो डॉक्टर को भी दिखाते हैं। घर में सजे सारे पुरस्कार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सैपट परिवार अपने क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, जो प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल कर खेती को नए आयाम देने में सफल रहे हैं। आज कालक की जो तस्वीर है उसके पीछे किसानों की अथाह मेहनत छुपी है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए किसी अनुपम भेंट से कम नहीं है। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। कैसे बनेगा किसान क्रेडिट कार्ड? आवेदन के लिए कहां करें संपर्क? कौन कौन से लगाने होंगे डॉक्यूमेंट्स? किसान क्रेडिट कार्ड पर फुल रिपोर्ट देखिए सरकार आपके साथ में इस शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कारवां पुराना है
पर सफर नया है, इरादे बुलंद हैं, तो जोश भी जमा है। अरे यार, इस सफर में अगर गंगा के साथ यमुना का भी दीदार होगा तो कुछ राहों में शायद आपका भी घर होगा। मेरी मंजिल भी आप, मेरा मकसद भी आप। जिस गंगा के संग हूं मैं, उस गंगा की पहचान भी आप। तो आज मैं पहुंच गया हूं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। तो जनाब तैयार रहिए, आ रहा हूं मैं आपके द्वार पे दस्तक देने, आपका स्नेह और सहयोग दोनों लेने। तो देखना ना भूलिएगा, रग रग में गंगा, एक निर्मल अविरल यात्रा, आपके अपने और राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल दूरदर्शन नेशनल पर, हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। अब ना आएगा हाथी, ना खेत में घुसेंगे गाय बकरी, ना खेतों में होगा बाघ के छिपने का डर। क्योंकि अब आ गया है खेतों का नया रक्षक एनाइडर। भागो भागो आया एनाइडर, देखिए नए भारत के नए किसान में, शनिवार रात 8 बजे डीडी किसान पर। डॉक्टर कर देंगे बंटा थार, सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। क्या जीवन देंगे, क्या जीवन लेंगे, खेला तो ठन ठन गोपाल। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। इस हॉस्पिटल में आएगा तो लंबा बिल बन जाएगा, ऐसे ना चुकाएगा तो पोपट सांप बन जाएगा। ये डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे, जान तुम्हारी ले लेंगे, एक से बढ़कर एक कैरेक्टर किस किस को हम झेलेंगे। इनसे ना रखना बोल चाल, करे जुगाड़ू झोल झाल झोल झाल झोल झाल। गोलमाल गोलमाल गोल गोल गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, जस्ता, ब्राउन जिंक, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। चार प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर, हर रविवार रात 8 बजे। बदलते भारत की शान।